सब्सक्राइब कीजिए हमारी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कार्तिक महात्म के चौथे अध्याय के बारे में। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु भगवान मछली रूप धारण कर कश्यप की अंजलि में प्राप्त हुए। उस मछली पर दया करके मुनि ने उसको कमंडल में डाल दिया। तब वे उसमें ना समाये, तब कुएं में डाला, कुएं से तालाब में और तालाब से समुद्र में डाली गई। तब मत्स्य रूपधारी भगवान शंकासुर को मारते हुए और अपने हाथ में दबाकर चंद्रीवन को गए और वहाँ सब ऋषियों को बुलाकर भगवान बोले कि जल के भीतर वेद निमग्न हो गए हैं, तुम उन्हें ढूंढो और सुशीघ्रतापूर्वक जल में से निकालकर रहस्य समेत ले आओ और तब तक मैं सब देवताओं समेत प्रयाग में निवास करूँगा। नारद जी बोले, तब तपोबली उन मुनियों ने बीज और यज्ञ मंत्रों सहित वेदों का उद्धार किया और उन ऋषियों में से जिसने जो निकाला वे भाग उन ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पीछे सब मुनि मिलकर प्रयागराज हो गए और प्राप्त हुए वेद ब्रह्मा सहित विष्णु भगवान को अर्पण किए। संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न हो देव और ऋषियों सहित अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व पन्नग गुहाक पृथ्वी पर दंडवत कर प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे देवादिदेव, हमारी विकप्ति श्रवण करो। ये हमारी प्रसन्नता का स्थान है, इसे तुम वरदान दो। हे रमापते, इन ब्रह्मा जी ने इस स्थान में नष्ट हुए वेद फिर पाए और हमने यज्ञ के भाग प्राप्त किए, इसलिए आपके प्रसाद से ये स्थान पृथ्वी में अत्यंत श्रेष्ठ हो और पुण्य देने वाला हो और ये महीना भी ब्रह्म हत्या आदि को दूर कर रक्षाफल देने वाला हो। श्री विष्णु बोले, हे देवताओं, जो बात तुमने कही है यही मुझे भी अभीष्ट है, सो ऐसा ही होगा। ये ब्रह्माशयम नाम से सबको सुलभ होगा। सूर्यवंशी राजा भागीरथ यहाँ गंगा जी को लावेंगे और इस जगह पर सूर्य की पुत्री यमुना जी का संगम होगा। जो पुरुष अपने पितृशवरों का यहाँ श्राद्ध करेंगे उनके पितृगण मेरे स्वरूप को धारण करेंगे। मकर संक्रांति माघ मास में प्रातःकाल स्नान करने से उनके दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे सूर्य के अंधेरे का नाश हो जाता है और उनको मैं सालोक्य सामीप्य और सारूप्य इन तीनों प्रकार की मुक्ति क्रम से देता हूँ। हे मुनिवरो, मैं सर्वज्ञ रूप से बद्रीवन में सदैव निवास करता हूँ। जो फल और स्थान 100 वर्ष में मिलता है वे तुमको वहाँ एक दिन में ही प्राप्त होवेगा। उस स्थान के दर्शन करने वाले मनुष्य जीवन मुक्त हो जाते हैं। सूत जी बोले, विष्णु देवताओं को ऐसा कहकर ब्रह्मा जी सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रकादि देवता भी अंशों से यहाँ रहकर अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य शुद्ध चित्त से इस पवित्र कथा को सुनते हैं उनको प्रयागराज और बद्रीवन में जाने का फल मिलता है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कार्तिक महात्म का चौथा अध्याय। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।